अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे दही बड़े। उसके लिए ये हमने 300 ग्राम उड़द दाल, इसको भीगने रख दिया था हमने 5 घंटा। इसको धोकर अच्छे से ले लिया, देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इमली की मीठी वाली चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, एक प्याली हमने प्याज ली, इसको बारीक कट किया, देखिए इतना बारीक कट करना है इसको, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। एक चम्मच हमने चाट मसाला लिया, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ले लिया, एक चम्मच काला नमक, यह हरा धनिया लिया हमने आधी प्याली, 4 हरी मिर्च, 1 कप पानी ले लिया। देखिए जार में हमने दाल डाल दी, हरी मिर्च और नमक भी डाल दिया है, नीचे डाली हमने हरी मिर्च और नमक, ये पानी डालेंगे। ढक्कन बंद कर देंगे, इसको पीस लेंगे। ये इस तरह से पीस लिया हमने, इसी तरह से पीसना है इसको। ये देखिए दाल हमने बॉल में निकाल दी है, प्याज डालेंगे, हरा धनिया और ये भुना हुआ जीरा पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक हमने डाल दिया था दाल पीस रहे तभी। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और बेटर इस तरह का होना चाहिए, पानी में डालेंगे तो तैर के ऊपर आना चाहिए, देखिए इस तरह से ऊपर आना चाहिए। देखिए पैन में हमने तेल डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर दही बड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सभी छोड़ दिए हमने, जितने हमारे पैन में है इसको पलट देंगे। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है, देखिए ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसी तरह से फ्राई कर लेना है। 5-6 मिनट लगा है हमको इसको फ्राई करने के लिए, उलट पलट के हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल देंगे, अभी हम इसको पानी में नहीं डालेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे टिश्यू पेपर पे। इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सभी हमने फ्राई कर लिए हैं, अभी जितने हमको सर्व करना है उतने हमने पानी में डाल दिए हैं, ठंडे पानी में। अब इसको हम पानी में से निकाल देंगे, 5 मिनट पहले हमने इसको पानी में डाल दिया था, अब इसको पानी में से निकाल लेंगे, इस तरह पानी दबा दबा कर। अभी हमने निकाल दिए पानी में से, और दही में हमने शक्कर डालकर इसको फेंट कर रख दिया है, दही डाल देंगे। देखिए दही हमने डाल दिया है, काला नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ये धनिया पुदीने की चटनी, ये डाल दी हमने धनिया पुदीने की चटनी, अब इमली की चटनी डालेंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है दही भल्ले, दही वड़े, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स से खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट रोज़ भेजते रहिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।